गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं AK सिंह आप लोगों के सामने आज रूट वर्ड्स को लेकर के आया हूँ। ये रूट वर्ड्स आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक एक शब्द से अनेक शब्द कैसे बन जाते हैं, उन चीज़ों को आज हम विस्तार पूर्वक हम आपको पढ़ाएंगे, और थोड़ा ऐसा पढ़ाएंगे कि जीवन भर आपके डिक्शनरी को आपको डिक्शनरी उलट के खोजने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वर्ड से, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मेरा ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं, मैंने आपको बतलाया था कि एक ही वर्ड से हम लोग गुना भाग करके चार चार वर्ड, पांच पांच वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स ये तीनों चीज आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। और आप थोड़ा सा देखेंगे कि रूट वर्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है। आप जनरली देखते होइएगा एसएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कि पहले तो आपको पछाड़ देता है रूट वर्ड में, एंटो आकर के आपके एंटो आ जाता है, फिर आपको एग्जाम में साइनो आता है, फिर आपको एग्जाम में वन वर्ड आता है, फिर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, फिर आपको स्पेलिंग टेस्ट आते हैं, स्पेलिंग इरर जिसको आप कहते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के बाद आपको पैसेज आ जाता है। फिर इस तरह के तमाम वर्ड आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये आपको मालूम होगा कि ये दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर, पांच नंबर, दो नंबर, और ये पांच नंबर, यानी आपका हो गया 10, 4, 14, 16, 18, 18 मार्क्स का आपका जो होता है हर एग्जाम में, वो आपको वर्ड से रिलेटेड होता है। और आपको मैं ये भी बतला दूं कि बिना वर्ड का आप एसएससी को कभी क्रैक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको विशेष रूप से मेरे चैनल को देखते रहना होगा। मैं प्रत्येक दिन आपको 30 से 40 वर्ड कैसे बनते हैं वो ट्रिक को मैं बतलाऊंगा, और आप इसको देख करके ही आप सीख लेंगे। ऑफलाइन क्लास की जरूरत ही नहीं होगी, आप ऑनलाइन के माध्यम से इस सारी चीजों को सीख पाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए कि आगे आपका किस तरह से हम क्लास लेते हैं, गौर कीजिए बोर्ड पर थोड़ा सा। अब ये है आपका रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये रूट वर्ड एग्जाम में आता है क्या? ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये वर्ड इसलिए पढ़ाया जाता है डियर, ताकि आपका वर्ड स्ट्रोक काफी ज्यादा अच्छा हो जाए, और जब तक आपका वर्ड अच्छा नहीं होगा एग्जाम आप क्रिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50% एग्जाम में वो जितने भी वर्ड होते हैं वो रूट वर्ड से ही रिलेटेड, यानी वर्ड से ही रिलेटेड होते हैं। इसीलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूट वर्ड पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश के क्लास करते हैं। ये देखिएगा, ये एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, लॉजी मीन्स होता है आपका विज्ञान, ये आपका नाउन होगा। IST ST दुनिया के तमाम वर्ड जिसके अंतिम में IST ST लगा रहेगा उसका अर्थ होता है व्यक्ति, और ये नाउन होता है और ये विशेषज्ञ होता है। फिर आपका है IAN, मतलब हो जाएगा आपका व्यक्ति। IC या AL जिस वर्ड में लगा रहेगा उसका अर्थ होता है संबंधित, अर्थात ये वर्ड जो होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर आपको देखिए साइको, साइको का मतलब होता है मन, और इसी तमाम कार्डियो, CARDIO, कार्डियो का अर्थ होता है आपका हृदय। इन तमाम वर्डों से हम लोग जोर जोर करके सीखेंगे अनेक सारे शब्दों को बनाना। जैसे आपका पहला वर्ड आ गया एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजियन,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपो ओ लॉजिक एंथ्रोपो लॉजिकल कार्डियो हृदय कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजिकल कार्डियोलॉजिक कार्डियोलॉजिस्ट साइको साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट पेड पेडल सेंटी सेंटीपीडी मिली मिलीपीडी मिलीपीडी अब ध्यान दीजिए कि एंथ्रोप का अर्थ होता है मानव। अब एक ही वर्ड से किस तरीके से अनेक सारे वर्ड बन गया एंथ्रोप मीन्स मानव। तो लॉजिक का अर्थ होता है विज्ञान यानी कौन विज्ञान मानव विज्ञान। फिर इसके बाद आप देखिए एंथ्रोप का अर्थ होता है मानव और लॉजी मीन्स विज्ञान और IAN आ गया है आपको कहां से व्यक्ति यानी मानव विज्ञान विशेषज्ञ। व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा विशेषज्ञ होगा। आप देख चुके हैं यहां पर भी कि व्यक्ति विशेषज्ञ यानी ये भी हो जाएगा आपका मानव विज्ञान विशेषज्ञ हो जाएगा। ये मानव विज्ञान विशेषज्ञ विशेषज्ञ। फिर आपका एंथ्रोप मीन्स मानव लॉजी मीन्स विज्ञान IST मतलब व्यक्ति विशेषज्ञ सेम हो जाएगा अर्थात ये आपका साइन हो गया। एंथ्रोप का अर्थ होता है मानव लॉजी मीन्स विज्ञान और IC मतलब क्या होता है संबंधित। देखिए यहां लिखा हुआ है तो ये कौन विज्ञान से संबंधित हो जाएगा मानव विज्ञान से संबंधित। ये आपका याद रखना है कि आपका वर्ड जो होगा एडजेक्टिव होगा चूंकि IC या AL से जितने भी तमाम वर्ड समाप्त होते हुए एडजेक्टिव होते हैं। अब फिर आइए एंथ्रोप मीन्स मानव लॉजी मीन्स विज्ञान IC या AL मतलब संबंधित अर्थात आपका ये दोनों वर्ड साइनो है। कार्डियो का अर्थ हो गया हृदय तो कार्डियो मीन्स हृदय तो लॉजी मीन्स बोलिए विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान हो जाएगा हृदय विज्ञान। ये आपका हो गया हृदय विज्ञान। फिर आपका आ गया कार्डियो मीन्स हृदय और ये लॉजी जो है लॉज वर्ड आया है लॉजी से तो लॉजी मीन्स विज्ञान IC और AL मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होता है संबंधित कौन विज्ञान से संबंधित तो हृदय विज्ञान से संबंधित हृदय विज्ञान से संबंधित। ये भी वर्ड हो जाएगा यानी ये वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कार्डियो मीन्स हृदय लॉजी मीन्स विज्ञान IC मतलब क्या होता है संबंधित होता है तो कार्डियोलॉजिक हो जाएगा हृदय विज्ञान से संबंधित यानी आपका ये दोनों जो है ये आपका साइनो हो गया। फिर आइए कार्डियो मीन्स हृदय लॉजी मीन्स विज्ञान IST मतलब
व्यक्ति विशेषज्ञ, यानी हृदय विज्ञान विशेषज्ञ। हृदय विज्ञान आपका क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। फिर आइए, साइको का मतलब होता है मन। कुछ बच्चे इसको पिसाइको पढ़ देते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। जब पी के साथ जब एस का प्रयोग होता है तो वहां पी एस यहाँ पर पी साइलेंट हो जाता है, यानी पिसाइको नहीं हो करके क्या हो जाएगा? साइको हो जाएगा, और साइको का अर्थ होता है मन। तो साइको मिस मन, तो लॉजी मिस विज्ञान। तो कौन सा विज्ञान? बोलिए, मनोविज्ञान की मन विज्ञान, मनोविज्ञान होगा। साइको मिस मन, लॉजी मिस विज्ञान, ICIR मतलब बोलिएगा क्या होता है? संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित। फिर आपका है साइको मिस मन, लॉजी मिस विज्ञान, IST मतलब व्यक्ति विशेषज्ञ, मनोविज्ञान विशेषज्ञ। पेड का अर्थ मैंने बतला दिया था पिछले क्लास में भी। पेड मिस होता है पैर, तो पेड मतलब पैर, तो एल मतलब क्या होगा? पैर से संबंधित, यानी ये हो जाएगा आपका पैर से संबंधित। फिर आइए, सेंटी का मतलब होता है 100। सेंटी मिस 100, पेड मिस पैर, ई मतलब भर होता है, 90% भर होता है, यानी जब वर्ड के अंत में ई रहेगा तो 90% चांस है कि वो भर होगा। इसका दो अर्थ होता है। सेंटीपीडी का मतलब होता है 100 पैर वाला कीड़ा, और 100 पैर से चलना भी होता है। मिली मतलब होता है 1,000, 1,000, और मिलीपीडी का मतलब है 1,000 पैर से चलने वाला कीड़ा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर। ओके।